इसका उपयोग मधुमेह मेलेटस में किया जाता है और ऊतक वृद्धि और मरम्मत की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन न्यूक्लिक एसिड संश्लेषण और लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य परिपक्वता के लिए आवश्यक हैं। निकोटिनामाइड ऊतक श्वसन में मदद करता है। क्रोमियम इंसुलिन चयापचय को प्रबल करता है और इस प्रकार लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्रियाओं में हेरफेर करता है। जिंक ऊतक वृद्धि और पुनर्योजी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सेलेनियम ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकता है। चिकित्सक के निर्देशानुसार प्रयोग करें। धन्यवाद।